हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? तो गाइस, अभी चल रहा है हमारा हिस्ट्री का क्लास। और हिस्ट्री के क्लास में जो सोर्स ऑफ एंशेंट हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत, ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज सबसे पहले उस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करेंगे, इसमें जो भी बचे हुए चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज पूरा इसको खत्म ही कर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब देखो, अब क्या है, अब आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद ब्राह्मणेतर ग्रंथ जो हम लोगों ने दो देखा था, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है। तो हम लोग बौद्ध जो साहित्य है उसका हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद जैन साहित्य करके भी इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या है हेडिंग? हेडिंग है बौद्ध साहित्य, ठीक है, क्लियर है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य हम लोग देखेंगे। इसमें से बौद्ध साहित्य में बस आप एक ही चीज़ जानते हो, पहला पॉइंट आपका कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा त्रिपिटक। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कितने पीठ है, तो त्रिनामी है, तो इसमें तीन पीठ है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है सुत पीठक, ठीक है, पहला है सुत पीठक। दूसरा क्या है, दूसरा है विनय पीठक, विनय पीठक। और तीसरा क्या है, तीसरा है अभिधम्म पीठक। कौन सा पीठक है? अभिधम्म पीठक, अभिधम्म पीठक, क्लियर है। ये तीन पीठक है। सुत पीठक में आपको क्या मिलता है? सुत पीठक जो जिसकी रचना की गई थी, ठीक है, सबसे पहले और सबसे बड़ा पीठक है, ठीक है, सुत पीठक। इसमें आपको गद्य और पद्य दोनों मिश्रित चीज़ें मिलती है, जो भी इसमें चीज़ें हैं वो मिश्रित रूप से मिलती है। और इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का ये संग्रह है, ठीक है, उपदेश। तो सुत पीटक में आपको क्या मिलता है? सुत पीटक में आपको मिलता है जो बुद्ध के उपदेश है उसका संकलन, क्लियर है। उसके बाद है विनय पीटक। विनय पीटक में क्या है, इसमें देखो जो भी बौद्ध मठ है वहां पे जो भी भिक्षु भिक्षुणियां रहती थी, ठीक है, उसके अनुशासन संबंधी नियम कहां दिया गया है? ये दिया गया है नियम, ठीक है, नियम, नियम या रूल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी जो भी भिक्षु भिक्षुणियां हैं, ठीक है, उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वो है विनय पिटक में। और लास्ट है आपका, ये है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक में आपको क्या मिलता है, तो देखो जो भी बुद्ध ने उपदेश दिए, ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का जो दार्शनिक व्याख्या है वो, ठीक है, उपदेश और जो उपदेश और क्या मैंने बताया, उपदेश और जो भी इनके सिद्धांत थे उसका दार्शनिक व्याख्या। यहाँ पे आप लिख लो दार्शनिक, ठीक है। बस कीवर्ड अगर आपको याद रह गया, ठीक है, कीवर्ड अगर याद रह गया तो आप कोई भी आंसर इसमें कर सकते हो, दार्शनिक व्याख्या, क्योंकि जो टर्म मैं लिख रहा हूं ये तो 100% वहां पे रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। अगर आपको विनय पिटक के बारे में पूछा जाएगा तो वहां एक टर्म नियम आएगा ही आएगा, ठीक है। किसके लिए वो नियम है, तो जो भी जो भिक्षुनिया और जो भी भिक्षु है वो सब जो रह रहे हैं उनके लिए जो रूल्स बनाए गए थे बौद्ध मठों में, वो आ जाएगा आपका विनय पिटक में। अगर बौद्ध के उपदेशों की बात की जा रही है, सिर्फ उपदेश की बात की जा रही है, तो हो जाएगा वो शुद्ध पिटक। और उन्हीं उपदेशों के बारे में दार्शनिक व्याख्या के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा अभिधम्म पीठक, क्लियर है। तो बौद्ध साहित्य में मेनली जो आप पढ़ते हो वो यही पढ़ते हो त्रिपिटक। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बुक्स हैं, ठीक है, जो आपसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वो आपसे पूछा सकता है। जैसे एक मिलिंद पन्नो पूछा गया अभी हाल ही में किसी एग्जाम में। देखो हाल ही में किसी एग्जाम में अगर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 4 दिन पहले किसी एग्जाम में पूछा गया। हाल ही का कहने का मतलब हुआ इधर 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया। मिलिंद पन्नो किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। और ये पहले का भी क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। आप जब प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाते हो, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा मिलिंद पन्नो किस भाषा से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ये लिस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है यानी बौद्ध साहित्य। मिलिंद पन्नो में है क्या, तो मिलिंद पन्नो में आप जानते हो मिनांडर और जो नागसेन थे उनका संवाद है, ठीक है, जिसमें मिनांडर का क्वेश्चन है और नागसेन का उत्तर है, ठीक है। ये प्रश्नो उत्तर टाइप से एक था कि इसमें ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है मिनांडर। ये भी आप नोट डाउन कर लो, हो सकता है आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। क्या है इसमें, मिनांडर और नागसेन, ठीक है, मिनांडर और नागसेन। मिनांडर का प्रश्न, ठीक है, मिनांडर का प्रश्न था और नागसेन का उत्तर, क्लियर है। मिनांडर ने प्रश्न किया और नागसेन ने उसका उत्तर दिया। तो ये इसका संकलन किया गया है कहाँ पे, मिलिंद पन्नो में। और जिस धर्म के बैकग्राउंड पे इसको इसकी चर्चा की गई थी वो क्या था, वो था बौद्ध धर्म, क्लियर है, अब आप नहीं भूलोगे। इसके बाद इसमें और भी है जातक, जातक, जातक कथाएं आपने सुना होगा कि किससे संबंधित है। तो यह बुद्ध के, बुद्ध के किसके बारे में, जातक क्या बताता है, पूर्व जन्म, ठीक है,
बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में इसमें कहानियां आपको मिलती है। और जातकों की संख्या जो है वह टोटल कितनी है, वह 549 है। कितनी संख्या है जातकों की, जातकों की संख्या है 549। क्लियर है? तो गैस आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते थे बौद्ध धर्म से वो अब आपका हो चुका है। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक हम लोग डालने वाले हैं वो है जैन धर्म। क्या डालने वाले हैं? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। तो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता था, देखो बहुत सिंपल सा दो तीन पॉइंट है बस, जैन धर्म आपका खत्म हो गया, हमको सारा बुक नहीं पढ़ना है। जैन धर्म के साहित्य को कहा गया आगम। ठीक है, क्या कहा गया जैन धर्म के साहित्य को? आगम कहा गया, इसको अंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया? आगम या अंग। क्लियर है? आपसे एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा गया। ठीक है, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया यह भी आपसे पूछा जाता है, भाषा। ठीक है, किस भाषा का प्रयोग किया गया इसमें? तो जैन साहित्य में प्राकृत और संस्कृत। ठीक है, प्राकृत और संस्कृत भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। क्लियर है? और ये जो अंग है, ठीक है, इसको आगे चल के फिर उपअंग में भी बांटा गया। ठीक है, और उपअंगों की संख्या कितने कितना है, कितना था? ये था 12। ठीक है, और अंग की संख्या भी कितनी थी? अंग की संख्या भी थी 12। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं, जो दो तीन पॉइंट मैंने बताया, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं बनेगा। क्लियर है? तो गैस देखो ये भी जो धार्मिक ग्रंथ थे आपके वो सारे अब क्लियर हो चुके हैं। जो जो मेजर पॉइंट था कवर करने लायक जो आपके एग्जाम में बन सकता था वो सब आपका अब क्लियर हो चुका है। देखो इसके बाद जो आपका जो धार्मिक ग्रंथ है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अब है लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य को मैं यहाँ पे क्या कवर करवाऊँ, इसमें कवर नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपने बहुत बार ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आप अगर मैं इसमें सारे बुक का भी नाम लिखता हूँ तो 15 से 20 मिनट चला जाएगा बेवजह का। ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये मैं जब बुक का लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहाँ पे आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, लौकिक साहित्य या ऐतिहासिक साहित्य में वो सारे साक्ष्य आते हैं जिसमें आपके धर्म के बारे में नहीं बल्कि समाज और राजनीति अर्थशास्त्र इन सारे के बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है। ठीक है, जैसे इसमें मैं बोल देता हूँ थोड़ा एक दो चार नाम जो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें क्या आता है, जैसे अर्थशास्त्र। ठीक है, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। फिर आप गार्गी संहिता है गार्गी के द्वारा, हर्षरित वानवट के द्वारा, यानी इस तरह के बुक्स जो आप एंशियंट हिस्ट्री का पढ़ते हो वो सारे आपके लौकिक साहित्य। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, विदेशी यात्री जो भी भारत आए जिनके हिसाब से हमें जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है तो उसका विवरण जो दिया हुआ है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ बहुत ही फेमस विदेशी यात्री हुए जिसको हम लोगों ने अलग अलग देशों के वाइज में बांटा हुआ है, अलग अलग एरियाज जो आए हुए थे उस हिसाब से हम लोगों ने इनको बांटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले चीनी यात्री। कौन है? चीनी यात्री, चीनी यात्री। उसके बाद है यूनानी या रोमन यात्री। ठीक है, उसके बाद है अरबी यात्री, उसके बाद है यूरोपीय यात्री, उसके बाद तिब्बती यात्री। तो इसमें मेनली बहुत सारे बुक में आपको सिर्फ मिलेगा चीनी यात्री के बारे में मिलेगा आपको, उसके बाद यूनानी यात्री के बारे में, उसके बाद अरबी यात्री के बारे में। यूरोपीय यात्री, तिब्बती यात्री बहुत सारे बुकों में नहीं दिया रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी को छोड़ने नहीं वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट यात्री आए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लेखक आए हुए हैं विदेशों से, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने इसको बांटा हुआ है। तो चीनी यात्री बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो चीनी यात्री कौन कौन हुए, जैसे फायांग, वेनजांग। ठीक है, ये दो तो बहुत ही फेमस हैं जो आपसे एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, तो यात्रियों में सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वो है चीनी यात्री। ठीक है, चीनी यात्री। तो चीनी यात्रियों में जो हमारा पहला यात्री है, आप सभी इनसे वाकिफ हो, ये कौन है? ये है फायांग। क्या नाम है इनका? फायांग। फायांग के बारे में कौन नहीं जानता है, इतना बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हर कोई इनसे वाकिफ है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। फायांग किसके टाइम में भारत आए? ठीक है, तो किसके टाइम में भारत आए? ये आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किस वंश के टाइम में भारत आए, क्लियर है? गुप्त वंश के टाइम में आए, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय वो गुप्त वंश के शासक हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि ये भारत कब आए थे। ये भारत आए थे 399 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है AD। ठीक है, 399 ईस्वी में ये भारत आए और 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे, यानी AD तक ये भारत में रहे। ठीक है, कुल 15 वर्षों तक ये भारत में रहे थे। अगला जो पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है ये है कि इनके बुक का नाम क्या है। ठीक है, बुक का नाम ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, बुक का नाम है भारत की दशा का विवरण। भारत की दशा का विवरण, ठीक है, यह है इनके बुक का नाम। इस नामक इन्होंने एक बुक लिखा जिसमें इन्होंने भारत के तत्कालीन यानी जब ये आए हुए थे उस समय के समाज, राजनीति, संस्कृति सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक वर्णन इन्होंने किया। ठीक है,
और उन्होंने जो मेन टारगेट किया है वो किया है मध्य प्रदेश के एरिया को, ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने बताया कि बहुत ही सुखी हैं और बहुत ही बोल सकते हो ना सभ्य संस्कृति वाले लोग हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं फाययान के बारे में। फाययान के बारे में अब इससे ज़्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हम लोग इसमें टॉपिक कवर करेंगे, सॉरी दूसरा यात्री कवर करेंगे, वो कौन होने वाला है, दूसरा चीनी यात्री है वेन सांग। क्या नाम है इनका, वेन सांग, ठीक है, वेन सांग। वेन सांग के बारे में भी आप सभी जान रहे हो, चलिए फिर से हम लोग इनके बारे में भी पॉइंट वाइज कवर कर लेते हैं, ठीक है। वेन सांग या भारत कब आए थे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेन सांग भारत आए थे 629 ईस्वी में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना क्योंकि आपसे पूछा जाता है और इसमें ईयर भी पूछ लिया गया है कब वो भारत आए थे। 629 ईस्वी में भारत आए थे और ये 16 वर्ष तक यहाँ पे रहे थे, यानी 629 से लेकर 645 ईस्वी तक ये यहाँ पे रहे हुए थे, लगभग 16 ईयर्स, ठीक है, 16 वर्षों तक ये भारत में थे। वहीं पे अगर फाययान का बात करें तो ये 15 वर्षों तक भारत में रुके थे, क्लियर है। और ये किसके काल में आए हुए थे तो आपको पता है, ह्वेन सांग हर्षवर्धन, अगर इसमें किसी को डाउट है, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में ये आए थे। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप याद रखना एच से वेन सांग, एच से हर्षवर्धन, तो फाययान ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। बहुतों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। अब इनके बारे में और अगर बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखा है, ठीक है, बुक लिखा है, उस बुक का क्या नाम है, उस बुक का नाम है सी यू की, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आप याद रखना। सी यू की बुक किसका है, सी यू की बुक वेन सांग का है। और इस बुक में इन्होंने अपना जो पूरा भ्रमण वृतांत है वो लिखा है कि किन किन एरियाओं के बारे में इन्होंने किन किन एरियाओं का इन्होंने भ्रमण किया, क्या क्या वहाँ की खासियत है, सारी बातें इन्होंने इसमें लिखी है। एक और पॉइंट इनसे यहाँ से आपको याद रखना है कि इनसे जुड़ा एक यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पूछा जाता है, इन्होंने यहाँ पे बौद्ध शिक्षा ग्रहण की, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की, नालंदा यूनिवर्सिटी से इन्होंने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की। और यहाँ से एक और खास पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी से जब इन्होंने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की तो उस टाइम के वहाँ के जो तत्कालीन कुलपति थे, ठीक है, यानी वीसी थे, वो कौन थे, तो जब इन्होंने ग्रहण की शिक्षा उस टाइम के वीसी कौन थे, उनका नाम था शीलभद्र। क्या नाम था उनका, शीलभद्र, शीलभद्र, उनका नाम था शीलभद्र, ठीक है, आचार्य शीलभद्र उस टाइम के तत्कालीन कुलपति थे। ये एग्जाम में पूछा भी गया है इससे पहले, ठीक है। तो बस हम लोग इंपॉर्टेंट सारी बातें याद रखेंगे और ज़्यादा हम लोग इसमें फंसने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिसको आपको याद रखना है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले यात्री की तरफ। अगला यात्री भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ईयर आपसे पूछा जाता है, वो कौन है, वो है संयुगन। तो तीसरा जो चीनी यात्री है हमारे लिस्ट में वो है संयुगन। कौन है, संयुगन। संयुगन के बारे में एक खास पॉइंट पूछा जाता है, ये भारत कब आए, संयुगन भारत कब आए, तो ये 518 ईस्वी में आए, 518 में, कब आए, 518 ईस्वी में। ये डायरेक्ट डेट एसएससी एग्जाम का अगर बात करें तो ये डायरेक्ट डेट 3 बार अभी तक पूछ लिया गया, ठीक है। तो 518 ईस्वी में ये भारत आए और 3 वर्षों तक ये भारत में रहे, उसके बाद फिर ये लौट गए। लेकिन लौटते टाइम में बौद्ध इन्होंने भी बौद्ध धर्म की यहाँ से प्राप्तियाँ कुछ एकत्र की और फिर अपने साथ ये चाइना ले गए, ठीक है। आपसे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ईयर आपसे पूछा जाएगा कि ये भारत कब आए थे, 518 ईस्वी में ये भारत आए थे। चौथा चीनी यात्री जो है वो है इत्सिंग। कौन है, इत्सिंग, ठीक है, इत्सिंग। अब इत्सिंग के बारे में भी आपको यही याद रखना है कि ये चीनी यात्री थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो सबसे यही बनता है कि ये कहाँ के यात्री थे, तो जो भी अभी मैं लिखा रहा हूँ ये सब चीन के यात्री थे, चीनी यात्री हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और ये भारत कब आए थे, तो ये भी भारत आए थे 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी के लास्ट में ये भारत आए थे। अगर डेट का मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 675 में यहाँ पहुँच गए थे और 675 से लेकर 695 तक ये यहाँ रुके हुए थे, तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रुके हुए थे। और इनका जो टारगेटेड एरिया था, जिस एरिया में इन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम बिताया, वो था बिहार, ठीक है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसी के विवरण में कहाँ का आपको तत्कालीन राज्य का स्थिति वगैरह मिलता है, ये बिहार राज्य में मिलेगा, ठीक है। और बिहार राज्य में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसमें भी ये समय इन्होंने बिताया और वहाँ से इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसके बाद पांचवा जो आपको याद रखना है इसमें चीनी यात्री में, ये है एक यात्री चाओ जू कुआ, ठीक है, क्या नाम है इनका, चाओ जू कुआ। इस यात्री के बारे में शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। चौजू कुआ ये एक ऐसे यात्री हुए जो दक्षिण भारत गए। देखो अभी तक जो भी यात्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा
वो सभी नॉर्थ एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे, और मेनली जो बिहार एमपी यूपी यही सब एरिया में ये लोग रहे थे, ठीक है। लेकिन चाओ जू कुआ ये साउथ इंडिया गए, साउथ इंडिया भी इन्होंने विजिट किया, और संभवतः अगर माना जाए तो ये साउथ इंडिया में चोल काल में आए हुए थे, ठीक है। ये किसके टाइम में आए हुए थे? चोलास के टाइम में, ठीक है, चोलास के टाइम में ये आए हुए थे, चोलास के समय में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसके दरबार में ये आए हुए थे, तो ये चोल के समय में आए हुए थे, चोल के दरबार में आए हुए थे। तो यहाँ से हमें चोलकालीन जो चीज़ें हैं उसके बारे में पता चलता है। क्या नाम है इनका? चाओ जू कुआ। तो पांच चीनी यात्रियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। सबसे पहला क्या था? फाइयान। दूसरा क्या था? दूसरा था वेनसांग। तीसरा है संयुगन। चौथा कौन है? चौथा है आपका इत्सी। और पाँचवा है चाओ जू कुआ जो दक्षिण भारत पहुँचा था। क्लियर है? यहाँ पर ये आपका चीनी यात्री हो गया पूरा। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं ये है यूनानी यात्री, ठीक है। यूनानी यात्री के बारे में देखो, ये सब टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही कवर कर रहे हैं। यूनानी यात्री में सबसे पहला यात्री अगर देखें तो ये है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। देखो एक ये मैं तो लिस्ट बना के यहाँ पे लिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन कहाँ से आए थे। अगर ये पूछ लिया जाए आपको ये हेरोडोटस कहाँ से आए थे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हेरोडोटस यूनानी यात्री थे, ये यूनान से आए हुए थे, ठीक है। हेरोडोटस के बारे में एक बहुत ही खास पॉइंट है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस। क्लियर है? ये आप जान रहे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका बुक किसने लिखा? हिस्टोरिका बुक हेरोडोटस ने लिखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। और इस पुस्तक में अगर बात करें तो जब ये भारत आए हुए थे, ठीक है, तो भारत और फारस के बीच में इसमें संबंध दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। हेरोडोटस बुक में क्या है? यह है भारत और फारस, ठीक है, भारत और फारस के बीच में संबंध, भारत और फारस संबंध, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस बुक में भारत और फारस के बीच में संबंध दर्शाया हुआ है, तो यह है हिस्टोरिका बुक जो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। क्लियर है? इसके बाद इसमें जो अगला यात्री है हमारा, ठीक है, वो कौन है? चलिए बढ़ते हैं अगले यात्री की तरफ, अगला स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अगला यात्री इसमें से कौन है? तो अगला यात्री यानी अगला जो यूनानी यात्री है वो है टेरियस। कौन है? सॉरी, टेसियस, 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 टेसियस कहाँ से आए? ये यूनान से आए, यानी ये थे ईरान के राजवैद्य। इनका खासियत क्या था? ये थे राजवैद्य, ईरान के, ईरान के राजवैद्य थे। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईरान के राजवैद्य कौन थे, तो ये हैं टेसियस, ठीक है। टेसियस थे ईरान के राजवैद्य। और इस ईरानी यात्री के बारे में अगर बात करूँ तो इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी काल्पनिक चीज़ें कह दी है, ठीक है। यानी टेसियस के, टेसियस ऐसा माना जाता है कि टेसियस ने मनगढ़ंत कहानी लिखा है, यानी भारत के बारे में, भारत के बारे में काल्पनिक चीज़ों, चीज़ें इन्होंने ज़्यादा लिख दी है, ठीक है। काल्पनिक, ये आप नोट डाउन कर लेना, काल्पनिक बात, अगर भारत के बारे में कोई काल्पनिक बात इन्होंने लिख दिया है तो उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस कारण से इनका जो बुक है उसके प्रमाणिकता पर भी शक किया जाता है, ठीक है। तो आपसे तीन पॉइंट टेसियस से बनेगा, तो इनके बुक पर, इनके बुक की प्रमाणिकता पर शक है, ठीक है, आप ये नोट डाउन करना। ठीक है, ये आप इसलिए मैंने लिखा दिया क्योंकि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करके दिया जा सकता है कि किसकी बुक की प्रमाणिकता के परे माना जाता है या प्रमाणिकता पर शक है। ये है टेसियस के बुक के बारे में, क्योंकि इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी काल्पनिक बात बोल दी है, लिख दी है उसमें, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि ये कौन थे? ये थे ईरान के राजवैद्य। क्लियर है? तीसरा जो यूनानी लेखक आपको जानना है वो है मेगास्थनीस। कौन है? मेगास्थनीस। मेगास्थनीस के बारे में कौन नहीं जानता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। मेगास्थनीस, तो मेगास्थनीस के बारे में पहला पॉइंट, किसके दरबार में ये आए हुए थे? आप सभी जानते हो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। और दूसरी बात, ये किसके राजदूत थे? ये थे सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपको मेगास्थनीस से यहां से याद रखना है कि इनका एक बुक है,
उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है इंडिका, ठीक है, क्या है, इंडिका। और इस पुस्तक में इन्होंने मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में अपना विवरण दिया है। बस ये 3 पॉइंट है जो आपको यहाँ से मैगजीन से याद रखना है, ठीक है। देखो अगला जो यात्री हमारे लिस्ट में, आई होप ये सर चौथा है, ठीक है, तो अगला यात्री कौन है, ये है डायनोसियस। कौन है? डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस। डायनोसियस के बारे में आपको पता होना चाहिए किसके दरबार में आए थे, जिस तरह से मैगस्थनीस आपने देखा ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, उसी तरह से डायनोसियस जो थे यह अशोक के दरबार में आए हुए थे, ठीक है, किसके दरबार में, अशोक के दरबार में, सॉरी इससे पहले आपका एक छूट गया, ठीक है, डायमेकस वो आए हुए थे बिंदुसार के दरबार में, पहले आपको वो लिखना था ताकि आपको याद ठीक से रहता, कोई बात नहीं मैंने लिख दिया तो अब लिख दिया है, यह अशोक के दरबार में आए थे, ठीक है, दरबार में आए हुए थे, कौन, डायनोसियस, ठीक है। और ये किसके राजदूत थे, तो राजदूत ये किसके थे, तो राजदूत थे ये किसके, ये थे टॉलमी फिलाडेल्फस, ये नाम याद रखना, क्या नाम है इनका, इनका नाम है टॉलमी, टॉलमी फिलाडेल्फस, ये आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस इनके राजदूत थे, कौन, डायनोसियस, जो अशोक के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। और अगर इनसे बात करें तो इन्होंने और उसी के बारे में जानकारियां दी है, इसके बारे में और आपसे बुक वगैरह और कुछ नहीं पूछा जाता है, तो ये यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है, बस 2 ही पॉइंट है इसमें आपको याद रखने लायक, ठीक है। और पांचवा यात्री जो हमारा यूनानी यात्री है वो मैं लिखा देता हूँ, डायमेकस, कौन है, डायमेकस, डायमेकस, ठीक है, आप लोग अपने नोट्स में अगर हो सके तो इसको चेंज कर लेना, ठीक है, डायमेकस पहले लिख लेना उसके बाद डायनोसियस लिखना, क्योंकि डायमेकस जो आया हुआ था ये आया हुआ था बिंदुसार के टाइम में, और आपको पता है बिंदुसार जो है वह अशोक के पिता थे, ठीक है, इस कारण से आपका वो सीरीज बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो डायमेकस जो है ये किसके टाइम में आए हुए थे, बिंदुसार के टाइम में, ये भी आप नोट डाउन करो, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में ये आए हुए थे। और दूसरी बात, ये किसके राजदूत थे, तो राजदूत थे एंटियोकस के, किसके राजदूत थे, राजदूत का अगर बात करें तो ये राजदूत थे एंटियोकस का, एंटियोकस का, ठीक है, या एंटियोकस जो भी आपको लिखना है, इंग्लिश में लिखते हो तो एंटियोकस हो जाएगा, हिंदी में लिखते हो तो एंटियोकस हो जाएगा, किसके राजदूत थे, एंटियोकस के, क्लियर है। तो ये आपको तीन तो मेनली है जो आपसे पूछा जाता है, मेगेस्थनीस, डायमेकस और डायनोसियस, ये तीनों के बारे में ये सारी बातें क्लियर होना चाहिए, बस यही आपसे पूछा जाए किसके टाइम में आए और किसके ये राजदूत थे। इसके बाद भी आपके दो तीन और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बच जाते हैं जिसके बारे में अभी लिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके बाद शायद सिक्स हुआ, सेवंथ जो आपके लिस्ट में आएगा, ठीक है, वो कौन है, वो है प्लिनी, ठीक है, प्लिनी, प्लिनी के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा है, वो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, इनका बुक है, वो बुक क्या क्या नाम है बुक का, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, बहुत ही फेमस बुक है इनका, किनका, प्लिनी का। और नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने लिखा क्या है, भारत से रिलेटेड क्या लिखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत और इटली, ठीक है, भारत और इटली के संबंध के बारे में लिखा हुआ है, भारत और इटली के बारे में, और संबंध का अगर बात करें तो व्यापार संबंध यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, व्यापार। देखो मैं थोड़ा सा इसको इसलिए इतना एलाबोरेटली मैं बता देता हूँ ताकि अब के क्वेश्चन में क्या है ना, अब के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने का भरपूर कोशिश किया जाता है। अब भारत और इटली के बीच में संबंध अगर मैं बोल दूँ और वहाँ पे दे दिया जाए राजनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध, या आप बोल सकते हो सांस्कृतिक संबंध, तो आप क्या करोगे, तो इस कारण से जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वो आपके पास जरूर होने चाहिए, कम से कम मेरे पास अगर आप पढ़ रहे हो तो नेचुरल हिस्ट्री में क्या है, भारत और इटली के बारे में व्यापारिक संबंध, ठीक है, व्यापारिक संबंध, ये आप व्यापारिक, व्यापारिक संबंध, ये आपको कहाँ से मिलता है, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से। व्यापारिक संबंध के साथ साथ ही इसमें और भी चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है, पशु, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों के साथ साथ अन्य भारतीय वस्तुओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक इन्होंने लिखा है इस नेचुरल हिस्ट्री में, इसीलिए इसका नाम ही है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री तो है ही लेकिन यहाँ पे नेचुरल चीज़ों के बारे में भी विस्तार से इन्होंने लिख डाला है, ठीक है। ये हो गया प्लिनी से रिलेटेड चीज़ें। और अगला जो यात्री है वो कौन है, वो है टॉलमी, आप इसको कन्फ्यूज मत करना, ये टॉलमी है, और अभी आपने टॉलमी फिलाडेल्फस देखा था, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस वो एक राजा थे, ठीक है, जो मिस्र के राजा थे, मिस्र के राजा थे, अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है तो वहाँ पे आप ये डाल लो, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस, ये राजदूत थे टॉलमी फिलाडेल्फस के, जो मिस्र के राजा थे, कहाँ के थे, मिस्र के, ठीक है, ये मिस्र के राजा थे। और अगर बात करें एंटियोकस का, तो एंटियोकस कहाँ के राजा थे, ये थे सीरिया के राजा, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर ही लो, आपका नोट्स पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये थे सीरिया के राजा। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टॉलमी जो यात्री थे उनके बारे में,
ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टॉलमी फिलाडेल्फस कोई और है, टॉलमी कोई और है, टॉलमी एक यात्री है और ये रोम के यात्री थे। ठीक है, तो हम लोग अभी यात्री यूनानी या रोमन पढ़ रहे थे, ये रोमन यात्री थे। ठीक है, और इसके बाद इनके बारे में जो आपको यहाँ से याद रखना है वो है कि इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का भूगोल बुक किसने लिखा है, ठीक है, एक बुक है भारत का भूगोल, वो किसने लिखा है, तो वो टॉलमी ने लिखा है, जो भारत के तत्कालीन भौगोलिक अवस्था की जानकारी हमें प्रदान करता है। क्लियर है, और यहाँ से टॉलमी के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला जो एक और पॉइंट आपसे यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन भारत आए। ठीक है, सिकंदर के साथ ये आप डाल लो, ठीक है, सिकंदर के साथ आए लेखक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट के हिसाब से। ठीक है, इसमें तीन यात्री हुए जो आपसे पूछा जाता है, बस आपको नाम याद रखना है, वो कौन कौन सा है, वो है निर्याकस। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला है निर्याकस जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, दूसरा कौन है, दूसरा है आने सिक्रेटस, आने सी क्रेटस, ठीक है, आने सिक्रेटस, और तीसरा जो यात्री इसमें है वो है आस्टियोबुलस। ठीक है, आस्टियो बुलस, ये तीन यात्री है, बस नाम आपको याद रखना है, ये सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। ठीक है, सिकंदर के साथ आए लेखक कौन कौन थे, ये थे निर्याकस, आने आने सिक्रेटस और आस्टियो बुलस, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, बस यही आपसे पूछा जाएगा, यही आपसे पूछा जाएगा और इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इन तीनों के बारे में, लेकिन नाम आपको 100% याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, एक बुक है, आप पहले बुक का नाम नोट डाउन कर लो, ये है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी, ठीक है, ये है बुक का नाम पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। आपसे यहां से पूछा जाता है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक अननोन है। ठीक है, यानी इसके लेखक गुमनाम है, कौन है इसके लेखक ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अननोन कौन है, अननोन यूनानी लेखक है, कौन है, अननोन यूनानी लेखक, यानी इसके लेखक अननोन ग्रीक लेखक है, इतना पता है कि जो भी लेखक है कोई भी वो यूनानी लेखक है। ठीक है, और इस बुक में किस चीज की चर्चा की गई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो ये ऐसा माना जाता है कि ये हिंद महासागर की यात्रा पर भारत आए हुए थे। ठीक है, हिंद महासागर की यात्रा पर थे और इन्होंने भारत के बंदरगाहों तथा भारत से आयात निर्यात होने वाली व्यापारिक वस्तुओं का विवरण प्रदान किया है, तो भारत के बंदरगाहों के बारे में लिखा है। ठीक है, भारत के बंदरगाहों के बारे में, ठीक है, बंदरगाहों के बारे में, और ये किस महासागर की यात्रा पर आए हुए थे, तो हिंद महासागर की यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, ठीक है, ये तीन पॉइंट है, देखो इसी तरह से आपको याद रखना है, आप बुक में जब पढ़ते हो ना वो स्टेंजर टाइप में, तो वो फिर आपको याद नहीं रहता है, आपको बस नोट्स ऐसे ही बनाना है, आपको हेडिंग डालना है जिसका नाम आपको लिखना है, उसके बारे में आपको ये लिख देना है कि दो तीन पॉइंट जो जो है। ठीक है, तो पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी ये एक बुक है और इसके लेखक कौन है, ये लेखक इसके अननोन ग्रीक राइटर हैं, ये भी डाल देता हूँ, नहीं तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या है, तो इसके लेखक जो है वह अननोन है, यानी हम लोग को उनके बारे में पता नहीं है कौन है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है इस बुक में, भारत के बंदरगाहों के बारे में लिखा है और हिंद महासागर की यात्रा पर वो आए हुए थे। ठीक है, अगला जो यात्री है ये है अब आपका अरबी लेखक। ठीक है, अरबी लेखक में अगर मैं बात करूं तो अरबी लेखक में आपका एक नाम आता है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था, अलबरूनी का मूल नाम, अगर मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, मूल नाम, तो इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था अबू रिहान, यह आप नोट डाउन करो, ठीक है, अबू रिहान, ठीक है, इनका मूल नाम था अबू रिहान, क्लियर है, और वह लेखक होने के साथ साथ गणितज्ञ और ज्योतिषी भी थे। ठीक है, 11वीं सदी में वो किसके साथ भारत आए हुए थे, आपको पता होना चाहिए, यह भी आपसे पूछा जाता है, किसके साथ भारत आए थे, गजनवी के साथ, गजनवी के साथ भारत आए, क्लियर है, और इन्होंने बुक कौन सा लिखा, इनका बुक बहुत ही फेमस है, किताब उल हिंद, दो बुक इन्होंने लिखा है, किताब उल हिंद, और दूसरा बुक आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा बुक आप नहीं बोल सकते हो, इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हो, वो है तहकीक, ठीक है, तहकीक ए हिंद,
ये दो बुक आप याद रखो, दो बुक नहीं एक ही बुक है, ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है, जो भी आपको रखना है ये यहाँ पे याद डाल लो, और से बेटर। मैंने देखो याद रखा है कि इन्होंने दो बुक लिखा है, क्योंकि ये दो बुक है नहीं, ये दोनों बुक एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, कभी आपको किताब उल हिंद मिलेगा, कभी तहकीक ए हिंद मिलेगा, ठीक है, ये एक ही बुक है। और इसका मतलब क्या होता है ये भी आप जान लो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भारत की खोज, ठीक है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज, क्लियर है। अगला जो अरबी यात्री आपको लिखना है वो कौन है, वो है इब्न बतूता, ठीक है, बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता के बारे में आपको बहुत ही फेमस एक बुक है इनका है, उसका नाम पता होना चाहिए, रिहल्ला, ठीक है, ठीक है, रिहल्ला, ये आपसे पूछा जाता है रिहल्ला बुक किसका है, तो रिहल्ला बुक है इब्न बतूता का, क्लियर है। और किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में, ये भी आप नोट डाउन कर लो, अरबी भाषा में ये भी आपसे पूछा जाता है, अरबी भाषा में ये बुक है, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट जो इब्न बतूता से आपको याद रखना है वो है कि जब 1333 ईस्वी में, ठीक है, वो दिल्ली पहुंचे, ठीक है, तो वहां के जो शासक थे कौन थे, उस वक्त के शासक, उस वक्त के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, ठीक है, आप यहीं पे लिख लो, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये इनके लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, ठीक है। इनको फिर बाद में राजदूत बना के चाइना भी भेजा गया था, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो ये फिर भारत आए और फिर भारत में इन्होंने बहुत बहुत चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है, तो वो हम लोग डिटेल से जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, बस यहाँ पे आपको यात्रियों के बारे में जान लेना है कि कौन से यात्री हुए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो आपका बचा है वो है यूरोपीय यात्री, ठीक है, यूरोपीय यात्री, यूरोपीय दो ऐसे यात्री हैं जिनके बारे में आपको जानना है, पहला कौन है, पहला है मार्को पोलो, पहला कौन है, मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो के बारे में बहुत जानकारियां हमारे पास नहीं है, ठीक है, आपको दो तीन पॉइंट है बस वही याद रखना है, मार्को पोलो यहाँ पे भारत कब आए, ये संभवतः 13th सेंचुरी में आए थे, ठीक है, 13th सेंचुरी, क्लियर है, ये संभवतः 13th सेंचुरी में भारत आए, और किस साम्राज्य में आए, तो इनके बारे में, राजा के बारे में तो शायद आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि किसके दरबार में, किस शासकों के दरबार में आए थे, ये आए हुए थे पांड्य के दरबार में, ठीक है, पांड्य के समय में ये भारत आए हुए थे, ठीक है, साउथ इंडिया में, और इन्होंने भी बुक लिखा है जो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, तो बस यही आपको जानना है ये किसके टाइम में आए हुए थे और इन्होंने किसके दरबार के बारे में लिखा है, किसके समय के बारे में लिखा है, तो पांड्य के समय में, क्लियर है, ज़्यादा इनके बारे में अब आपको नहीं जानना है, अगर जानना होगा तो फिर हम लोग डिटेल से बाद में देख लेंगे। इसके बाद एक और यात्री है जिनका नाम है निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी, ठीक है, निकोलो कॉन्टी, अब निकोलो कॉन्टी के बारे में क्या जाना है, निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आए हुए थे, तो ये भी साउथ इंडियन दरबार में ही आए हुए थे, ठीक है, इनके आने का समय जो है वह है संभवतः 1419 है, ठीक है, 1419 से लेकर 1444 तक ये भारत में रुके हुए थे, ठीक है, और इन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में इन्होंने लिखा, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य में भी अगर बात करूं तो देव राय, ठीक है, देव राय के टाइम में ये आए हुए थे, और बेटर आप बोलो तो देव राय प्रथम, ठीक है, देव राय प्रथम के समय में ये आए हुए थे, इनके जो इन्होंने जो लिखा है उससे भी हमें बहुत सारे बातों का पता चलता है जो भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारे तथ्यों का उजागर करता है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। देखो और भी यात्री हैं जो आए हुए थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक भी आए हुए थे, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे यात्री हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं वो अभी आप यहाँ पे कवर करोगे, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग डिटेल से चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर उनका नाम हम लोग क्लियर करते जाएंगे, क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया तिब्बती यात्री, तो एक तिब्बती यात्री भी आए हुए थे, वो कौन थे, वो थे तारानाथ, क्या नाम था उनका, तिब्बती यात्री जो थे ये थे तारानाथ, तारानाथ, ठीक है, तारानाथ ये कहाँ से आए हुए थे, तो मैंने बताया ये तिब्बत से आए हुए थे, कहाँ से आए हुए थे, तो तिब्बत से, ठीक है। तारानाथ के बारे में एक और पॉइंट है, इनके बुक का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है बुक इन्होंने क्या कौन सा लिखा था, तो इन्होंने कंग्यूर और तेंयूर नाम का दो बुक लिखा था, ये भी आप लिख लो, क्या नाम है इनके बुक का, इनके बुक का नाम है कंग्यूर, ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर, तंग्यूर, ये दो बुक इन्होंने लिखा है, ठीक है, और ये भी भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती है, तो तारानाथ के बारे में बस यही दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी यात्री, विदेशी यात्री थे, जो भी आपको कवर करना था, जो भी इतिहास के स्रोत के रूप में जिन्होंने कुछ ना कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ठीक है, उन सारे यात्रियों के बारे में आपका हो चुका है, ठीक है।
अब देखो जितने भी यात्री थे उन सभी के बारे में अब आपका लिस्ट पूरा हो चुका है, ठीक है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है। अब जो लास्ट स्रोत आपका बचा वो है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है? तो पुरातात्विक स्रोत का अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में आपके अभिलेख, सिक्के और जो भी स्मारक या भवन है या मूर्तियां हैं, चित्रकला है, वो सभी को आप पुरातात्विक स्रोत बोलते हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो इसमें हमारा है वो है अभिलेख। देखो यहाँ पे हम लोग वही पॉइंट कवर करेंगे जो आप अंदर में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, यानी चैप्टर्स में नहीं पढ़ोगे। तो अभिलेख के बारे में जब बात करते हैं तो अभिलेख में सबसे पहला पॉइंट जो आपका बनता है वो है सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। प्राचीनतम आप डाल लो, ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, ये है बोगज कोई या बोग जो कोई भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, बोगज कोई या बोग जो कोई, ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख है एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर, ये भी आप नोट डाउन करो, एशिया माइनर, ठीक है, बोगज जो कोई एशिया माइनर, ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो हमें मिला है अभी तक, ठीक है। अब देखो अभिलेख उस टाइम का जो भी अभिलेख हमको मिला है उसमें है क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है, कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो जो भी अभिलेख मिला है वो लगभग सारी चीज़ें या तो किसी स्टोन पे लिखा हुआ है। आप ये मत समझना कि जो अभिलेख मिला हुआ है ये पेपर में लिखा हुआ है। अगर पेपर में लिखा हुआ होता तो क्या अभी तक वो रहता? नहीं, वो अभी तक डिस्ट्रॉय हो गया रहता। तो इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी है वो या तो किसी स्टोन पे लिखा है या किसी धातु पर लिखा है, ठीक है। तो वही चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती है ना जो लंबे टाइम तक रह सके। तो ये जो सारे अभिलेख हैं ये स्टोन पर या धातु पर लिखे हुए, क्लियर है। अच्छा यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, वो है कि अभिलेख के जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख के अध्ययन को ये कहा जाता है एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि पुराने दस्तावेजों में जो प्राचीन तिथि मिला है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये हुआ अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी और प्राचीन तिथियों का, ठीक है, प्राचीन तिथियों का अध्ययन ये कहलाता है पैलियोग्राफी। क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी, ठीक है। ये दो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको याद होना चाहिए। एपिग्राफी और पेलियोग्राफी ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी, लेकिन प्राचीन तिथियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है पेलियोग्राफी। क्लियर है? ठीक है। और देखो जो हमें प्राचीन अभिलेख मिले हैं ये मेनली जो सबसे अधिक संख्या में मिला है ये अशोक के समय में मिला है, ठीक है। आपसे पूछा भी जाता है सबसे अधिक अभिलेख किनके समय का मिला है, ये अशोक के समय का मिला है। और अशोक के समय का जो अभिलेख मिला है वो यूनानी, ब्राह्मी, खरुष्टी, अरमाइक, इन चार भाषाओं में मिला है। ये अशोक के टाइम में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, एक जगह आपका कलेक्टेड रहेगा तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो कुछ कुछ अभिलेख है मैं उनका लिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। देखो तो ये है वो लिस्ट, ठीक है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो शासक है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के अभिलेख का नाम क्या था? प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख ये किसके समय का था? तो ये था समुद्रगुप्त के समय का, ठीक है। उसके बाद है प्रतिहार नरेश भोज, भोज के अभिलेख का नाम क्या था? ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ये राजा भोज से संबंधित है जो प्रतिहार वंश के राजा थे। उसके बाद है यशोवर्मन, ठीक है, मालवा नरेश थे यशोवर्मन, इससे इनसे संबंधित कौन सा है? मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित। इसके बाद है नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से नासिक अभिलेख। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख, ये विजय सेन जो बंगाल के शासक थे उनसे संबंधित है, देवपाड़ा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का बात करें तो ये है खारवेल, कलिंगराज खारवेल से, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है कलिंगराज खारवेल से। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का बात करें तो इनका संबंध है स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। और अगर जूनागढ़ जो गिरनार में स्थित है उस अभिलेख का बात करें तो यह है रुद्रदामन अभिलेख। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान देना, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख अगर एक साथ पूछा जाए तो यह हो जाएगा स्कंदगुप्त, लेकिन सिर्फ जूनागढ़ जो गिरनार में स्थित है उस अभिलेख का अगर बात किया जा रहा है तो यह है रुद्रदामन। क्लियर है? यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से आप देख लो क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में फिक्स है एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो एक बार फिर से आप देखो, हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं किसके समय में कौन सा हुआ, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त के टाइम में, ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज के टाइम में, ठीक है, मंदसौर अभिलेख ये यशोवर्मन के समय का है, ठीक है, जो मालवा नरेश थे। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री, ठीक है, इसके समय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय।
और देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन जो बंगाल के शासक थे उनके समय का है, हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग राज खारवेल के समय का है, और भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त का है, रुद्रदामन अभिलेख ये जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार में स्थित है वो रुद्रदामन के समय का है। ठीक है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही है पड़ेगा ये एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आई होप कि आपके दिमाग में ये चल गया होगा कि कौन कौन सा अभिलेख आपसे पूछा सकता है। इतना आपसे आप पहले याद कर लो, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अगर इससे कोई और इससे परे आता है तो हम लोग जब डिटेल देखेंगे तो वहां पे हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन इतना मस्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अभिलेख अब आपका हो गया। अगर यहाँ से अभिलेख से और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे सबसे पहला जो सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया वो किसका पढ़ा गया, वो अशोक का पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ये हम लोग अंदर में भी कवर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ बस आपको एक परफॉर्मा तैयार कर लेना है कि क्या क्या आपके साक्ष्य मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सिक्कों का अगर बात करें तो सिक्कों में जो प्राचीन भारत के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था, उसको आहत कहा जाता था। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है तो आप कर लेना सिक्कों के अंतर्गत। ठीक है, इसको आहत कहा जाता था। उसके बाद सबसे अधिक जो प्राचीन सिक्के मिल सकते हैं, ठीक है, जो हमें मिले हैं वो 5th सेंचुरी के आसपास का मिले हैं। ठीक है, 5th सेंचुरी BC, ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व के समय का हमें सिक्का मिला है, इससे पहले का हमें सिक्का नहीं मिला है। और अगर इसमें और हम लोग डिटेल अगर जाएं तो आपको पता है कि स्वर्ण सिक्कों के बारे में भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के मिले हैं, किसके काल में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के मिले हैं, तो सबसे एक पॉइंट यहाँ से आप याद रख लेना, स्वर्ण सिक्कों से सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त के काल में मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण काल में मिले हैं। ठीक है, सिक्कों से संबंधित ये आपका हो गया, मैं लिखा नहीं रहा हूँ बस आपको बता रहा हूँ, आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आज हम लोग को रैपअप करना है। इसके बाद स्मारक और भवन का अगर बात करें तो स्मारक और भवन तो हम लोग डिटेल में देखते ही चलेंगे। ठीक है, जो भी आपके पुराने स्मारक हैं वो सभी हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो हमें बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराती है, उस टाइम का कैसा कलाकृति था, कैसा उस टाइम में विकास वास्तुकला का विकास हो रहा था, वो सब हमें वहां से पता चल जाता है। ठीक है, यहां से एक और पॉइंट आपको जो लिख लेना है, ये आप लिख लेना, शायद ये बाद में शायद आपको नहीं मिल पाए कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम आपको कहाँ से मिला है। लोहे का प्रयोग ये संभवतः 1100 BC में लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, ये प्राचीन, आप इसको नोट डाउन कर लो, प्राचीन भारत में लौह या लोहे का प्रयोग संभवतः या 1100 BC में हुआ। ठीक है, और इसका जो हमें सबसे पहला साक्ष्य मिला है लोहे के प्रयोग का साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से मिला है, वो अंतरजी खेड़ा से मिला है। ठीक है, अंतरजी खेड़ा से, अंतरजी खेड़ा के खुदाई से। ठीक है, प्रयोग का साक्ष्य। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, प्रयोग का साक्ष्य जो हमें मिला है सर्वप्रथम वो कहाँ से मिला है, वो अंतरजी खेड़ा में जब खुदाई हो रहा था तो वहां से हमें लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है, इससे पहले लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें और भी चीजें हैं स्मारक में जो, वो तो हर राजा के टाइम का जो वास्तुकला था वो है, और वहां पे किस तरह के मंदिर बनाए गए हैं, किस तरह के भवन बनाए गए, तो वो सब हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें पुरातत्व क्या आपका आता है, मूर्ति, तो मूर्ति भी बहुत ही फेमस है। चित्रकला आता है, चित्रकला भी हर एक राजा के टाइम में चित्रकारी का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रहा है, वो सब हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो ये इतिहास का स्रोत था, ये टॉपिक आज आपका खत्म होता है। ठीक है, और आई होप कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक, थोड़ा बोरिंग टॉपिक जरूर है लेकिन शुरू से लास्ट तक अगर आपने पढ़ा है, सीरियसली पढ़ा है, तो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आसानी से आपको आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ये देखो, ये टॉपिक मैं चाहता तो मैं छोड़ सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के कवर किया, ताकि जो हर जगह छोड़ा जाता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे भाग जाते हैं, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता पढ़ने में, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ठीक है, तो लोग स्टोरी से स्टार्ट कर देते हैं, आपका सविंदर सभ्यता में कैसा था, ये था वो था, ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये सारा टॉपिक को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना है, जिसको भी जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको पढ़ना है, तो उनको शुरू से लेकर लास्ट तक मैं हर एक डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, कम से कम अगर क्लास आपका बंद भी हो जाए फिर भी वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कहीं नहीं आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप कि इतने सारी चीज़ों का क्लियरिटी आपको मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर डाउट है, मैं जरूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।